ब्राह्मण मंडल खाटी धाम फगवाड़ा वालों भगवान परशुराम मंदिर खाटी धाम फगवाड़ा विखे एक समागम का आयोजन किया गया, जिस विच विशेष तौर पर सबका केंद्रीय राज मंत्री और एससी एसटी कमीशन के कौमी चेयरमैन विजय सांपला ने शिरकत की, जिन्हों का मैंबरों वालों निघा स्वागत किया गया। इस मौके जिथे विजय सांपला ने मंदिर के नक्शे का उद्घाटन किया, उत्थे ही उन्हें हवन यग में आहुति भी पाई और भगवान श्री परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जनरल समाज के होनहार बच्चों स्कॉलरशिप भी दी गई। इस मौके विजय सांपला ने जिथे मंदिर विखे पहुँच के मत्था टेकया, उत्थे ही उन्हें ब्राह्मण मंडल वालों किए इस उपराले की शलाघा की। उन्हें बच्चों को कहा कि वह पढ़ लिख के अपना तो अपने देश का नाम रोशन करन। उन्हें कमेटी को अपने वालों हर तरह की संभव मदद करन का भरोसा भी दिता। परशुराम जी महाराज जी की तपोस्थली खाटी विखे ब्राह्मण मंडल फगवाड़ा वालों जोड़ा है नवे काम की उशारी भी की गई है और बच्चों जोड़ा है स्कॉलरशिप के चैक भी दिते गए। सो हूँ इस सारे शुभ कार्य के लिए मैं सारे प्रबंधक कमेटी को बधाई देना और उन्होंने एक बच्चों एक नवी सेध देके, क्योंकि अज की डेट के सब तो ज़्यादा किसी को कोई पुण का काम है वो बच्चों गरीब बच्चों उन्होंने सिक्ख्या देने का काम है। तो वो अज शुभ उपराला किया, मैं अपने वालों पूरी प्रबंधक कमेटी को लख लख बधाई दिता। उधर प्रबंधकों ने दसिया कि सरकार वालों मंदिर के कार्य लिए ग्रांट भेजी सी, उस दे काम वास्ते विजय सांपला वालों निरीक्षण किया गया सी। उन्हें कहा कि जल्द ही यह प्रोजैक्ट शुरू कर दिया जाएगा। उन्हें समूह श्रद्धालुओं भी इस कार्य में योगदान पाने की अपील की। इस दौरान वड्डी गिनती में कमेटी मैंबर ते श्रद्धालु मौजूद सन। भगवान परशुराम जी महाराज की जय। अज भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली खाटी धाम फगवाड़ा विखे ब्राह्मण मंडल रजिस्टर्ड खाटी धाम फगवाड़ा वालों एक प्रोग्राम मनाया गया, जिस कॉलेज के बच्चों जोड़े गरीब बच्चे है उन्होंने स्कॉलरशिप दी गई है और हवन यज्ञ हो गया। इस तो बाद असी जो सा प्रोजेक्ट शुरू होया जो सरकार ने खाटी धाम की उसारी वास्ते पैसे दिए सन, वह सारे काम चल रहा, वह निरीक्षण करने वास्ते इतने आए थे। सांपला साहब आए थे, उन्होंने को झंडे रसम करवाई गई और उन्होंने बच्चों चैक भी वंडे। बाकी हूँ असी सारे फगवाड़ा शहर में मंत्र किया होया, जिदा जिदा साढ़े सज्जन आई जाऊंगे असी अगला कार्यक्रम साडा चलता रहेगा। उस बाकी बच्चों स्कॉलरशिप दी जाऊगी और जिहड़ा साडा प्रोग्राम हैगा या मेन साडा काम हैगा नक्शा का उद्घाटन का, जिहड़ा असी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वह नक्शा बनाया वह भी उद्घाटन कर जा रहे हैं, ताकि सारे पता लग जाए कि जिहड़ा मंदिर की सुंदरीकरण होना वह किस तरीके होना है। धन्यवाद।